अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो गाइस, आप सबको मेरे तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। तो आज मेरी पहली सहरी मेरे घर पर हो रही है, तो मैं आज बनाई हूँ स्पेशल तहारी जो हम हैदराबाद में बनाते हैं। तो मैं आज सहरी में बनाई हूँ और इसके साथ ये प्लेन रायता यानी सादा दही बनाई हूँ मैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं फटाफट से, इसे हम बना लेते हैं। कम समय में जल्दी से जल्दी बनने वाली ये तहारी है। तो सबसे पहले देखिए, एक बर्तन लेना है, मैं और ये है गरम मसाले, खड़े गरम मसाले हैं। देखिए, ये दालचीनी के दो टुकड़े हैं, चार इलायची हरी, लौंग, शाजीरा, ये है बीफ, और ये है आधा किलो टमाटर कटे हुए, ये है हरा धनिया, कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ली हूँ और 300 ग्राम मैंने बीफ लेकर बना रही हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले बर्तन चढ़ाते हैं। और ये देखिए खड़े मसाले हैं, इसमें से मैं आधे बघारूंगी और आधे मैं कूट लूँगी। यह है प्याज, प्याज मैं 2 मीडियम साइज़ की ली हूँ और इसमें दही मैं 300 ग्राम इस्तेमाल करी हूँ ताकि अच्छे से जायके चटपटी और अच्छी सी बन जाए हमारी डिश। ये है 2.5 ग्लास चावल, ये रोज़मर्रा के मेरे घर में के चावल है। मेरे पास बासमती राइस ख़त्म हो चुके हैं, इसकी वजह से मैं सोना मसूरी राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो गाइस, अब मैं ये चूल्हे पे बर्तन रख दी हूँ, एक पतीला रख दीजिए इस पे। अब इसमें हम तेल डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से, यानी मैं 300 ग्राम कुकिंग ऑयल ली हूँ। तो अभी 2 बज रहे हैं, मैं स्टार्ट कर दी हूँ मैं अपनी कुकिंग, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत स्लो खाते हैं, मेरे बेटियाँ, उनके लिए मुझे जल्दी उठकर बनाना पड़ता है। वो बहुत स्लो खाते हैं, कम खाते लेकिन बहुत स्लो खाते हैं मेरे बेटियाँ, तो इसके लिए मैं उनके लिए जल्दी उठना पड़ता है बनाने के लिए। तो देखिए, अब इसमें मैं एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, 1 पीस, और थोड़ा सा चुटकी भर शाही ज़ीरा, आप चाहे तो बढ़कर भी ले सकते हैं, लेकिन रोज़ा है तो मैं कम कम मसाले लेकर सिंपल बना रही हूँ तरीके से। 2 लौंग, 1 इलायची हरी, आप 2 से 3 लीजिए आपके खार के हिसाब से, क्योंकि गर्मा का महीना है, गर्मी आ चुकी है, तो इसके लिए मसाले थोड़ा कम ही इस्तेमाल कीजिए रोज़ों में। और ये प्याज मैं इसमें डाल दी हूँ, अब इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई करना है इसे गोल्डन फ्राई करना है। एकदम साइलेंट मोमेंट्स है, ये सब सारी चीज़ें करे तक 2:15 बज रहे हैं। बहुत एक्साइट हूँ मैं, क्योंकि मुझे रमज़ान का महीना बेहद पसंद आता, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना। अल्लाह आप सबको खुशियाँ नसीब करें, आप अपनी हर दुआ में मेरे बेटियों के लिए मुझे दुआ कीजिए। तो देखिए, धीरे धीरे फ्राई हो रही है, इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई होने दीजिए। देखिए, अब ये गोल्डन फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन डालेंगे। देखिए, इस तरह से कलर आना चाहिए, तो तहारी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल रही हूँ इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए, हम इसे भी कच्ची स्मेल जाने तक भून लेंगे। मैं खुद ही ये वीडियो कर ले रही हूँ, एक हाथ से मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, प्लीज़ मैनेज इट, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। और ये है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर,
ये है 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1.5 भी ले सकते हैं, आपके जायके के हिसाब से लीजिए, नमक और मिर्च। तो मेरे बच्चियाँ तो बस हरी मिर्च भी ऐड होना है तो कम खाते मिर्च, हमारे घर में मिर्ची बहुत कम लगती मेरे परिवार में, तो इसे भी हम अच्छे से स्लो फ्लेम पे भून लेंगे ताकि मिर्च ना जले। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड करी हूँ। अब ये है मटन, यानी बीफ जाएगा इसके अंदर, आप बीफ की जगह मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, इससे भूख बढ़ जाएगी बच्चों की और अच्छा इंशाल्लाह शहर में अच्छा खाएंगे बच्चे। हर माँ यही चाहती है कि अपने बच्चे अच्छा खाएं पेट भर और अच्छा उनका रोज़ा अच्छे से गुजरे। तो देखिए हम इसे भी थोड़ा सा फ्राई होने देंगे इन मसालों के अंदर, गोश्त को, गोश्त आपका एकदम नरम होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करके इसे ढककर गलने छोड़ दूंगी। तो देखिए मैं इसमें आधी गिलास पानी डाल रही हूँ, 1/2 ग्लास। अब इसे मैं ढककर इसे गलने के लिए छोड़ दी हूँ और ये प्याज और गोश्त अच्छे से गल जाएं, टेंडर हो जाएं। देखिए ये टेंडर हो रहा है, इस तरह से टेंडर करना है, आप अच्छे से इसे सोटे करते जाइए। अब इसमें मैं डालूँगी 300 ग्राम दही यानी कर्ड, आप इसमें दही खट्टा इस्तेमाल कीजिए, आपका जो तहरी है बेहद अच्छी बनेगी, चाहे वो पुलाव हो या तहरी हो, आप दही खट्टा इस्तेमाल कीजिए तो चावल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक इस्तेमाल कर रही हूँ और हम बाकी के मसालों के साथ और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो देखिए तेल भी ऊपर आने लगा है, अब इस दरमियान हम इसमें दही डालेंगे। देखिए ये 300 ग्राम दही है, 2.5 गिलास चावल में मैं 1/2 किलो टमाटर और 300 ग्राम दही इस्तेमाल कर रही हूँ 300 ग्राम तेल के साथ। इसे भी हम अच्छे से कच्ची स्मेल जाने तक पका लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर पकने दीजिए। थोड़ा सा मैंने इसे खंगाल लिया है जो दही बाकी था, तो चलिए इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छे से इसकी कच्ची स्मेल जाने तक पकने देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा दही अच्छे से पक रहा है। तो अभी समय में हम इसमें टमाटर जो मैंने कट कर कर रखी थी, बारीक टमाटर कट कर कर, आप 1/2 किलो इसमें टमाटर लगे हैं तो लगभग मेरा 1 किलो चावल है, तो इसमें थोड़ा सा नमक डालकर आप गला दीजिए तो आपके टमाटर जल्दी से टेंडर हो जाएंगे। इसे ढककर हम गलने देते हैं 2 से 3 मिनट तक और, तो देखिए 3 मिनट के बाद हमारे टमाटर गलना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें हम अपने ज़रूरत के हिसाब से नमक भी डालेंगे। इस तरह से आप गाइस बनाइए, टाइम भी कम लगेगा और पकना जल्दी हो जाएगा, आपको सालन और खाने की परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो इस तरह से बना लीजिए। मेरे पास फर्स्ट दिन है तो थोड़ा नींद रहता, कुछ सुधरता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं क्या बनाएं, कैसा हो, कैसा करेंगे, ऐसा होता है सबके लिए, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो मैं सोची आज खाना और सालन दो भी एक जगह मिलकर बन जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो मैंने तहारी बनाना शुरू कर लिया। तो देखिए और नमक मैंने ऐड किया है और 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दी हूँ गलने के लिए, तो ये अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम हरा मसाला ऐड करेंगे, यानी ये गरम मसाला मैंने कूट लिया है, ये डालूँगी और हरा मसाला जिसमें कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्चें। अब इससे आपके गोश्त में अच्छी सी खुशबू, फ्लेवर आ जाएगा, अच्छा सा खुशबू आ जाएगी
आपकी तहारी में यानी राइस में भी बहुत अच्छा होगा और आपके जो बीफ में भी अच्छी सी फ्लेवर आ जाएगा। ये अब मैं ऐड कर रही हूँ हरा मसाला, इसे भी हम थोड़ा सा पकने देंगे। तो इस तरह से हिलाइए। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में। और गाइस मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें और गुड्स कमेंट्स कीजिए। तो ये दो मिनट के एक मिनट तक मैंने इसे ढककर बन रखा है ताकि हमारा हरा मसाला भी थोड़ा सा इसमें टेंडर हो जाए। अब इस दरमियान आप देखिए आप अच्छे से हो चुका है और इसमें तेल भी ऊपर आ रहा है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, तो ढाई गिलास चावल में 5 गिलास पानी लगेगा। मेरा घर पर जो सोना मसूरी राइस है वो पुराना होता है तो इसीलिए मुझे डबल पानी लगता है। अगर आपका राइस नया है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी घटा लीजिए, यानी ढाई गिलास चावल में आप 4 गिलास पानी ले सकते हैं अगर चावल अगर आपका नया है। अगर पुराना चावल है तो आप डबल पानी लेना है चावल के हिसाब से। तो देखिए मैंने 5 गिलास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इस दरमियान में आप थोड़ा सा नमक भी चेक कर लीजिए आपके ज़रूरत के हिसाब से। मैं एक हाथ से वीडियो ले रही हूँ और एक हाथ से मैं बना रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है वीडियो। तो प्लीज़ गाइस कोऑपरेट, थोड़ा समझ कर आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। तो अब इसे भी हम ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से उबाल आने देंगे पानी में। जितना आप अच्छा पकाएंगे उतना अच्छा जल्दी आपके राइस बन जाएंगे। और मैंने चावल को धोकर भिगो कर रख दिया है 10 मिनट के लिए। अब ये देखिए मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ जो भिगो कर रखी थी, यानी सॉटे मैंने सोक करके रखा था राइस को। तो अब इसमें हम राइस ऐड यानी चावल इसमें डालेंगे अधन में। पानी अच्छे से पक चुका है। तो देखिए ना गाइस कितनी झटपट और तैयार होने वाली ये इजी डिश है। आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप परेशान मत होइए, इस तरह से बनाइए, खाइए और खिलाइए अपने घर में और परिवार में खुशियां बांटिए। अब चलिए हम जब तक अपना ये प्लेन दही तैयार कर लेंगे, यानी प्लेन कर्ड जो नमकीन बना रही हूँ मैं, बस नमक और थोड़ा सा पानी डालकर एकदम सादा दही नमकीन वाला ऐसा रायता आप बनाइए। तो वो मसालेदार है तो ये प्लेन रहना चाहिए, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। और इसके साथ थोड़े से वेजीज रख दीजिए आप तो बात और अच्छी बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा ये लिक्विड रखिए आप, थोड़ा सा ये लूज़ रखिए, थिक मत रखिए, क्योंकि ये छाँस से थोड़ा गाढ़ा रहना है तभी तहारी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। देखिए इस तरह से आपको फेंट लेना है। देखिए ये रेडी हो चुका है। चलिए इधर हमारा राइस भी पकना शुरू हो गया है। देखिए तेल भी अच्छे से ऊपर आ रहा है। अगर आपको और पीला बनाना है और कलरफुल बनाना है तो आप हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं और हल्दी की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने अच्छे से सारे मसाले बराबर डालकर इस तरह का कलर लाई हूँ। इंशाल्लाह आप मेरे मेथड से बनाइए, आपको बेहद पसंद आएंगी ये डिश। चलिए इसे हम दम दे देंगे धीमी आंच पे। देखिए दम हो रहा है, एक आध बार आप बीच बीच में चेक कीजिए ताकि नीचे तले को बैठ ना जाए, वरना तले को बैठ जाएगा, ये तले में बैठ जाएगा। अब नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह इस स्टेज पे आप नमक कर सकते हैं। तो देखिए पूरे लगभग हमारे चावल अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इसे हम स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसे दम दे देंगे। तो देखिए ये रेडी हो गया है।
कितना अच्छा दम हो गया है, देखिए। चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं। अब मैं इसे, आप चाहे तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास घी है तो आप डाल दीजिए, जायका और बढ़ जाएगा। और नींबू भी अगर आप डालना चाह रहे हैं तो आप ऊपर से नींबू भी, इसका जूस, नींबू का लेमन जूस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम दस्तर लगा देते हैं। हमारा सहर की आज पहली सहर है हमारे घर में रमज़ान की। तो देखिए गाइस, मैंने और मेरे चार बेटियों ने इस तरह से रेडी कर लिया है। तो देखिए गाइस, मेरा दस्तरखान रेडी हो गया है, मेरी बेटियों के प्लेट्स भी मैंने रेडी कर लिए हूँ। अब हम, हमारे चार बेटियाँ बैठकर एक हैप्पी फैमिली की तरह हम खाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, वेजीज भी आप इसके साथ रखिए। चलती हूँ दुआ में, याद रखना, अल्लाह हाफिज़।